हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। दोस्तों अभी आपने स्टार्टिंग में देखा तो फ्रेंड्स इस तरह के स्टेटस वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हो फ्रेंड्स पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स इस एडिटिंग के लिए जो मटेरियल्स का यूज होगा वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और फ्रेंड्स प्री सेट का लिंक अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देन उसका यूज आप कर सकते हैं। वैसे पूरी वीडियो देखिएगा, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, आगे आपकी मर्जी। यहाँ पर दो फॉन्ट आपको यूज करना है, दोनों फॉन्ट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। एलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन होने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। प्लस के आइकन पे टैप कीजिएगा, 900 का डेसिबल सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे रेजोल्यूशन 1080 रखना है, फ्रेम रेट 60 या 30 भी रख सकते हैं। बैकग्राउंड ब्लैक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा, जो भी इमेज पे एडिटिंग करना चाहते हो उस इमेज को सिंपली सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए मैं ये वाली इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप जो भी इमेज का यूज करना चाहे इजिली कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अब इसके बाद स्क्रीन पर टैप कीजिएगा, प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अगर कोई सॉन्ग लेना चाहते तो ऑडियोस ले लीजिएगा। मैं एक सॉन्ग यहाँ पर वीडियो में रखा हूँ तो उसी को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ से सिंपली उसे ले लेता हूँ। तो देख लेता हूँ कौन सा सॉन्ग है। फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा प्ले करके देखना होगा। तो चलिए मैं इसी वाले सॉन्ग को ले लेता हूँ। लेने के बाद फ्रेंड्स सॉन्ग को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेंगे। वीडियो को सेलेक्ट करेंगे, वीडियो यहाँ से डिलीट कर लेंगे, सॉन्ग के लास्ट में आ जाएंगे। पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, ए वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो हमारा पिक्चर जो है लास्ट तक आ जाएगा। फ्रेंड्स इस पिक्चर पर अगर कोई इफेक्ट आप देना चाहें तो दे सकते हैं, मैं यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। इसके स्टार्टिंग में आ जाएंगे, स्क्रीन पर टैप करेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट लिरिक्स है उसे आपको सुन लेना है क्या है। दर्द दिलों के कम हो जाते हैं, और 6:21 तक है। तो यहाँ पे हम एक लाइन में टाइप करेंगे दर्द दिलों के, और दूसरे लाइन में कम हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन आपको स्टार्टिंग में आना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है दर्द दिलों के, ठीक है। अब इसके बाद अलाइन कर लीजिएगा, रोबोट रेगुलर पर क्लिक कीजिएगा, और फ्रेंड्स यहाँ पे एक फॉन्ट आपको सेलेक्ट करना है। उस फॉन्ट को आपको पहले इंपोर्ट करना होगा, तो मैं आपको भी जो फॉन्ट दिया उसे आपको ले लेना है। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट में चलते हैं, और मेरे पास काफ़ी सारे फॉन्ट है, यहाँ पर काफ़ी सारे फॉन्ट है, ठीक है, 768 फॉन्ट है। इसमें से एक यूज़ करना है या फिर पूरा आपको एक बार में देना पॉसिबल नहीं, इसलिए मैं पूरे को एक ही बार में इंपोर्ट मतलब ऐड कर लेता हूँ एलाइट मोशन में। अब सिंपली इसे सर्च करेंगे, तो फर्स्ट जो फॉन्ट था वो उसका नाम था, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, नाम था इसका गोथम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे गोथम अल्ट्रा करके आपको फॉन्ट मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी सारे गोथम के नाम से फॉन्ट मिल रहा है, यहाँ पे गोथम अल्ट्रा या गोथम नायडो करके अल्ट्रा जो है, इस दोनों में से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गोथम अल्ट्रा जो है इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स फॉन्ट को आपको क्या करना है, 40 PT रख लेना है, तो इसे लिख कीजिएगा और इसे 40 PT रख लीजिएगा। तो यहाँ पे इतना बड़ा ये हो जाएगा, इस तरह से रखेंगे और इसे ऊपर में रखिएगा। इसका जो कलर है यहाँ पे वाइट कर लीजिएगा इस तरह से, और फिर यहाँ पे राइट क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर शैडो का भी यूज़ कर सकते हैं, और कलर आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर राइट क्लिक कर लीजिएगा, राइट क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट बीट लगा है वहाँ पर आ जाइएगा और इस फॉन्ट को आगे तक खींच लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, इसके स्टार्टिंग में आ जाना है, और स्टार्टिंग में आने का दूसरा फॉन्ट जो है उसे भी आपको यहाँ पर टाइप करना है, तो दर्द दिलों के कम हो जाते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और यहां पे टाइप करेंगे कम हो जाते, ठीक है। फर्स्ट लेटर जो भी होगा उसे कैपिटल रखिएगा, ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसके बाद अलाइन कीजिएगा, रोबोट रेगुलर पे क्लिक कीजिएगा, और फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा फॉन्ट जो है उसे भी आपको सर्च करना हो तो व्यू ऑल पे क्लिक कीजिए, सर्च वाले ऑप्शन में जाइएगा और यहाँ पे स्टे करके सर्च कीजिएगा, तो ये वाला स्टे एंड साइन मिल जाएगा, इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम ये हुआ कि मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया, ऊपर में रखना था स्टे एंड साइन और नीचे में रखना था ये वाला गौथम वाला, और मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारे पास अभी भी मौका है, हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो नीचे वाला जो है उसे चेंज कर देंगे, यहाँ पे गौथम कर देते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक कर लेंगे, इसका कलर यहाँ पे वाइट कर देंगे और फिर राइट क्लिक कर लेंगे, और ऊपर वाला जो है इसे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसका जो फॉन्ट है उसे आपको गौथम कर देना है। पूरा फॉन्ट जो है बोल्ड रहेगा, और नीचे वाला जो है सो अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। इसके बाद इसे सेलेक्ट कीजिए, इसे भी आगे तक खींच लीजिएगा। खींचने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसे मूव ट्रांसफॉर्म की मदद से ऊपर रख लीजिएगा यहाँ पे, और फ्रेंड्स इस दोनों में से किसी भी एक को सेलेक्ट कीजिए। नीचे वाले को हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, पहले ऊपर वाले में आ जाते हैं और इसका जो एडिटिंग है उसे कर लेते हैं। फिंगर की मदद से इसे थोड़ा छोटा कर लीजिए ताकि आपको इफेक्ट देने में कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पे क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, इफेक्ट में आ जाइएगा, ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहला इफेक्ट जो हम देंगे और टेक्स्ट स्पेसिंग का होगा, तो नीचे स्क्रॉल करके टेक्स्ट में आइएगा, यहाँ टेक्स्ट स्पेसिंग पर जाकर स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा, लेटर को स्पेसिंग को यहाँ पे 10 कर दीजिएगा, तो थोड़ा सा स्पेस हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसमें इफेक्ट अच्छे से काम करेगा। अब यहाँ टेक्स्ट स्पेसिंग पर क्लिक कर दीजिए, बैक चला जाएगा। अभी आपको ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है, वाइप वाला जो इफेक्ट आता है उसे लेना है, वो मिलेगा मेटर मास्क की में। यहाँ पे आकर वाइप को सेलेक्ट कीजिएगा, स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा,
वाइप को ओपन कीजिएगा कुछ इस तरह से आएगा, जैसे देख सकते हैं स्टार्ट 0 0 रहने दीजिए, एंड पे क्लिक कीजिए, एंड के स्टार्टिंग में आकर एक की लगा लीजिएगा, फिर लास्ट में आइएगा, लास्ट से थोड़ा आगे मतलब इतना काफ़ी रहेगा, यहाँ पे बीच हो रहा है तो इतना पे रख लेते हैं ठीक है। तो थोड़ा और इसे फिंगर की मदद से छोटा करते हैं तो हमें आसानी होगी एडजस्ट करने में, थोड़ा और छोटा करते हैं और अभी अब दिखाई दे रहा है पूरा, तो इतना पे हम यहाँ पे आ जाते हैं और एक की लगा लेंगे। की लगाने के बाद फ्रेंड्स इसे पूरा 100 कर दीजिए। ओह सॉरी ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, ये तो शायद पहले से ही 100 था। तो स्टार्टिंग वाले में आ जाइएगा और स्टार्टिंग को 0 कर लीजिएगा, परफेक्टली पूरा 0 कर दीजिएगा ठीक है, पूरा 0 यहाँ पे पूरा, थोड़ा सा और जाएगा और ये रहा 0 यहाँ पे, ये हो गया, माइनस में मत कीजिएगा, 0 हो गया। अब नीचे एंगल 0 है रहने दीजिए, फेदर पे आइएगा और फेदर को 35.0 कर लीजिएगा, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ओ सॉरी थोड़ा ज़्यादा हो गया, 35.0 ये रहा परफेक्ट, इसका काम हो गया। अब वाइप पे क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा, यहाँ पे ऐड फिर क्लिक कीजिएगा और फिर वेब वार्प वाला ऑप्शन आपको मिलता है डिस्टॉर्शन वार्प में, यहाँ पे आ जाइएगा, सबसे नीचे आइएगा तो वेब वार्प का ऑप्शन देखिए, इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, वेब वार्प पे क्लिक कीजिएगा और स्पेसिंग में आ जाइएगा, स्पेसिंग में आपको सबसे पहले एक की देना है, तो स्टार्टिंग में एक की दे दीजिएगा, फिर जहाँ पे की लगा हुआ है वहाँ पे जाकर एक की दे दीजिएगा और यहाँ पे जो सेकेंड की लगा है इसे आपको 0 कर देना है, पूरा 0 और ये 0 कर दीजिएगा पूरा यहाँ पे इस तरह से, और फिर स्टार्टिंग में आकर इसे 30 कर दीजिएगा, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, मतलब 20 पहले से था ही और 30 हम कर देंगे तो बस थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे ये हो गया 10 ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड पे क्लिक करना है और मैग्नीट्यूड को ऑन कर देना है, 4 है तो ऑन कर देंगे इसे ठीक है, यहाँ पर ये हो ही गया। अब थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वेब वार्प एंगल का जो ऑप्शन आ रहा है इसे सेलेक्ट करके, और सेलेक्ट करने के बाद ये 90 है तो इसे 180 कर दीजिएगा ठीक है, मतलब 180 कर दीजिएगा, और यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी चीज़ें सही है। अब वेब वर्ड पे क्लिक करना है, बैक चला जाएगा, अब यहाँ पे ऐड फिर पे क्लिक कीजिएगा और फिर सर्च में आ जाइएगा, यहाँ पे आपको एक सर्च करना है ब्लैक डिसॉल्व करके, ये ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कीजिएगा, स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा और यहाँ पे आपका जो लास्ट वाला की है उस पर आ जाइएगा और ब्लैक डिसॉल्व को ओपन कीजिएगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ पे है ही तो इसे प्लस कर लीजिएगा, इसके बाद में जाकर यहाँ पे भी प्लस कीजिएगा और फिर बाद वाले को पूरा 1000 कर दीजिए और स्टार्टिंग में आ जाइएगा, स्टार्टिंग में आने के बाद इसे 0.008 कर दीजिएगा, हल्का सा इस तरह का इफेक्ट आपको दिखेगा, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया, 8 करना है, यहाँ पे 8 नहीं हो रहा है तो 10 रहने देते हैं, 10 रहने देते हैं ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब इसका साइज जो है तो साइज को आपको थोड़ा सा बढ़ाना होगा, साइज को आपको कितना रखना है, 115 रख लीजिएगा ठीक है, यहाँ पे इतना। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रेंथ है इसे सेलेक्ट कीजिएगा और स्ट्रेंथ का जो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स है, एक्स को सिलेक्ट करना है और एक्स को आपको कर देना है 10 ठीक है, तो ये पूरा। और वाई को सिलेक्ट कीजिएगा और वाई को कर दीजिएगा 0, मतलब 0.01 ये रहेगा ठीक है। और सीड 00 है रहने दीजिए, फीड पे क्लिक कीजिएगा और फीड पे एक की आपको फिर से यहाँ पे लगा लेना, जो लास्ट की आपका लगा हुआ था उस पर, और फिर लास्ट में जाकर एक की लगा लीजिएगा और स्टार्टिंग में जो की लगाए मतलब फर्स्ट की जो लगाए हैं वो 0 था और सेकंड की जो है इसे 0.40 कर लीजिएगा ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ये 0.40 परफेक्ट। अब नीचे ऑफसेट 00 दोनों सही है। अब ब्लैक डिसॉल्व पे क्लिक कीजिए, बैक आ जाइए तो अभी आपका इफेक्ट कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, काफ़ी कमाल का लग रहा है फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है, इसी को सिलेक्ट करना है और इफेक्ट में जाना है या 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ से बैक आना है, सेकेंड वाले को सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स इसे सेलेक्ट करने के बाद मतलब सेकंड वाला जो फॉन्ट है उसे सेलेक्ट करने के बाद इफेक्ट में जाइएगा, 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर दीजिएगा, इफेक्ट इसमें ऑटोमेटिक लग गया और कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है। अब आपको एक और काम करना है फ्रेंड्स, इस फॉन्ट को सेलेक्ट कीजिए, मूव ट्रांसफॉर्म में जाइएगा और इसे आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए बीच में, और अगर आप इसे बड़ा करना चाहें तो जूम हल्का सा कर लीजिएगा, बस इतना रहने दीजिएगा। अब जब ये प्ले होगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन तो हमारा कंप्लीट हो गया कुछ इस तरह से। अब सेकेंड लाइन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से प्ले करके सुन लेना है सेकेंड लाइन कहाँ है और कहाँ मतलब क्या है और कहाँ तक है। तो ये वाला यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे एक बीट लगाते हैं, फिर फर्स्ट दोनों फॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा एक ही बार में इस तरह से, और यहाँ पे ये वाला डबल लेयर है इस पर क्लिक करके कॉपी टू लेयर कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे जो बीट है उस पर आइएगा और ये वाले ऑप्शन टैप करके यहाँ पे पेस्ट टू लेयर कर लीजिएगा। तो ये वाला तो फॉन्ट हमारा एकदम बराबर है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दूसरा लाइन था उसे हमें टाइप करना हो तो दूसरे लाइन का जो पूरा लाइन है उसका आधा ही टाइप करना है, मैं और तुम अगर, तो यहाँ पे नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे, एडिट टेक्स्ट में जाएंगे, जो लिखा हुआ इसे क्लियर कर देंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे मैं और तुम,
अगर, ठीक है, ये दो लाइन में जा रहा है तो हमें दो लाइन में नहीं करना है, इसे थोड़ा आगे कर दीजिएगा तो एक लाइन में आ गया, अगर इसे भी ज़्यादा होगा तो इसे आप छोटा कर दीजिएगा तो इस तरह से छोटा हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको एडजस्ट करते जाना है। तो ये फर्स्ट लाइन तो मतलब फर्स्ट हो गया नहीं ऊपर वाला, अब नीचे वाले को करना है, तो ऊपर वाले को मतलब नीचे वाला जो लाइन है उसे सेलेक्ट कीजिएगा और एडिट टेक्स्ट में जाइएगा और यहाँ पे हम हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम हो जाते हैं, परफेक्ट। अब यहाँ पे राइट क्लिक, इसी तरह से आपको पूरा लिरिक्स कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद स्टार्टिंग में आइएगा, टेलीग्राम पे एक पार्टिकल वीडियो मैंने आपको दिया तो प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा, यहाँ पे आपको डाउनलोड में चले जाना है। ऑफेंस डाउनलोड में जाने के बाद इसे व्यू कर लीजिएगा मतलब फूल कर लीजिएगा और उस वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं जल्दी से सिलेक्ट कर ले तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये वाला वीडियो है, इसे यहाँ पे प्लस कर लेंगे, वीडियो यहाँ पे ऐड हो गया, इस वीडियो को सिलेक्ट कीजिएगा, मूवी ट्रांसफॉर्म में जाइएगा, यहाँ पे इसे रोटेट कर लीजिएगा 90 डिग्री पे पूरा, और करने के बाद यहाँ से बैक आइएगा, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा, फिल कंप्रेशन ले कर लीजिएगा तो पूरे वीडियो पे आ जाएगा। इसके बाद ब्लेंडिंग पे क्लिक करेंगे, लाइटन पे क्लिक करेंगे और इसे स्क्रीन कर लेंगे। करने के बाद इसके लास्ट में आएंगे मतलब सॉन्ग के लास्ट में, परफेक्टली यहाँ पे सॉन्ग के लास्ट में आ जाएगा और वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो दोनों बराबर है, थोड़ा सा ज़्यादा है तो थोड़ा सा हम कट कर देंगे। और अब आपको पूरा लिरिक्स कंप्लीट करना है तो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से पूरा लिरिक्स कंप्लीट कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा लगता है पिक्चर पे। अगर वेफ इफेक्ट वाला या गैच इफेक्ट वाला इफेक्ट दे दीजिए तो और भी अच्छा लगेगा, वो इफेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग अपने पसंद के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है तो अब आपको सिंपली इसे एक्सपोर्ट कर लेना। एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर एरो देख सकते, इस पर टैप कीजिए, टैप करना एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए, ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। दोस्तों वीडियो यूजफुल हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर रोज मैं आपके लिए ट्यूटोरियल लेकर आता हूँ, इसका प्रीसेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जो आप इजीली यूज कर सकते हैं। वैसे एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए, किसी भी चैनल पे अप्रिशिएट का यूज करके एडिटिंग सीख नहीं सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।